वैसे सीन कुछ भी आप कर सकते हैं। तो हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ विद राजेश। आज हम एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आप जेनवी 2021 के लिए बहुत ही हेल्प होगी, क्योंकि उसमें आपसे 2 से 3 क्वेश्चन इस परसेंटेज से पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है परसेंटेज, इसको हम प्रतिशतता भी बोलते हैं। तो परसेंटेज के जो क्वेश्चन है कुछ बेसिक मैं समझा देता हूँ, बस थोड़ा थोड़ा एक बार समझ लीजिए। परसेंट का सिंबल कैसा होता है, ऐसा लगा होता है, ठीक है ना। अगर हमें क्या करना है, परसेंट कोई नंबर लिखा है, जैसे ये बोलो 5% लिखा है, तो परसेंट हटाएंगे और नीचे 100 लगाएंगे, ये हो जाता है। और किसी को ही परसेंट बदलना है, जैसे इसको ही परसेंट बदलना है, या मैं आपसे बोलूं इसको परसेंट बदलना है, कुछ नहीं करना है, 100 से गुणा कर देंगे, परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक कुछ चीजें आपको पता होंगी, नहीं पता है तो ध्यान रखिए, परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, परसेंट को हटाने के लिए क्या कर देते हैं, हर में 100 लगा देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं 100 से भाग दे देते हैं। तो ये चीजें आपको पता होगी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो विगत वर्ष में क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन किसी न किसी सन में जेएनबी में पूछे गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग फोकस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखिए क्या है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर कोई कमा रहा है तो उसकी आय क्या है, इनकम कितनी है, 100% होती है। अगर वह 70% का बचत कर रहा है, इसका मतलब कितना, 70% बचत कर रहा है, 30% व्यय करेगा, मतलब वो खर्च कर रहा है। अगर वो 30% खर्च कर रहा है, इसका मतलब 70% क्या करेगा, बचत करेगा। इसका अपोजिट होता है कि 100 में माइनस कर लेते हैं। ऐसे यहाँ क्वेश्चन है, अगर वो 25% बचत कर रहा है, इसका मतलब खर्च कितना परसेंट कर रहा है, 75%, और कमा कितना रहा है, 100%। यहाँ कह रहा है वह प्रतिमा 3,000 रुपए की बचत करता है, मतलब 25% में दे रहा है कि 25% बचत करता है, लेकिन उसी को संख्या में दे रहा है, 3,000 बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। कितना आसान है, देखिए समझिए, बचत नीचे बचत, अगर वो परसेंट में 30% कर रहा है, तो 30% बचत दे रहा है, तो बचत का मतलब 30% परसेंट में दे रहा है, लेकिन संख्या में कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, 3,000। तो 25% कह रहा है, बचत में 25% है, तो 25% रख देंगे, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना है, इनकम निकालनी है, उसकी आय निकालनी है, तो हम 100 से गुणा करेंगे। अगर खर्च निकालनी होती तो 75 से गुणा कर देते, क्योंकि 100% हमारी क्या होती, इनकम होती है। 100 रुपए कमाए, अगर 25 रुपए वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, तो खर्च 75 रुपए करेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ आय पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको काट लीजिए, 2500 को 100, तो 4 गुणा 3 में कर दिए, 4 3 12, और 3 0 लगा लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 12,000, और उसकी क्या हो जाएगी, 12,000 इनकम है, ऑप्शन बी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जल्दी बढ़ते अगले क्वेश्चन में। तो चलिए बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कह रहा 80% का 20, 80 का 20% कितना है। तो कह रहा 80 का 20%, हिंदी में लिखा है प्रतिशत, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रतिशत है। तो ये आपसे ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिशत है, तो इतना से क्वेश्चन है, कितना आसान है, आप समझ सकते हैं। ये प्रतिशत 20% को बोल रहा है, मीन्स ये 80 का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाई होता है, गुणा लगा सकते हैं, प्रतिशत का मतलब 20%, ऐसे लिखने की ये बात कर रहा है। अगर परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, ये मैं बार बार आपसे कहता हूं, तो 80 गुड़े क्या कर लेंगे, 20/100 कर लेंगे आप, 00 ऐसे 10, इसका 10 इसका काट देंगे, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16। तो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए, फिर अगले में बढ़ते हैं। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, और ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, समझिए क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी ने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन आप में अपने जो भी क्लास में है आप बच्चे, वो भी अपना परसेंट निकाल सकते हैं, कि आप रिपोर्ट कार्ड में देखिए कितना नंबर आप पाए हैं, और कितने टोटल के पूर्णांक है, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है, हर में रखना, और जितना आप प्राप्त किए उसको अंश में रख के गुणा कर देंगे 100 का, ये प्रतिशत में बदल जाता है। तो ये प्रैक्टिकली चीजें हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। ये कह रहा है 25 में से 20 प्राप्त किया, मतलब कुल का पूर्णांक कितना था, इसका मतलब 25 का था,
इसने जितना प्राप्त किया अंश में रखना है, पूरा 100 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 2500 को 100, इसका मतलब 2500 को 80, इसका मतलब इसने कितना प्रतिशत प्राप्त किया है, 80% प्राप्त किया है, ठीक है ना। कितना ऑप्शन सी हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए। हाँ आगे भी बढ़ते हैं, तो चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए कह रहा है 100 का 100% कितना होगा, तो 100 का मतलब गुणा 100%, 100% मतलब परसेंट हटेगा नीचे 100 लगेगा, डबल से ऐसे कैंसिल होगा, इसका आंसर कितना आ गया, 100 आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत आसान था। फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 6/20। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6/20 का समतुल्य, तो ऐसा समझिए क्या है ये समतुल्य का मतलब, ये ऑप्शन में अब देखना पड़ेगा, और ऑप्शन में समय पर क्या लगा है, परसेंट का चिन्ह लगा है, इसका मतलब आपको कन्वर्ट कराना चाहता है परसेंटेज में, तो परसेंट में बदलने के लिए कितने का गुणा करते हैं, 100 का। बार बार हम बताए हैं इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, देखो 100 से गुणा करेंगे तो 20 × 5 = 100 और 6 × 5 = 30, इसका मतलब 30% इसका आंसर हो जाएगा, और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फोर्थ, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट आपको देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 27/50 है, 27/50 को प्रतिशत के रूप में लिखो, प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए आपको इसका मतलब परसेंट में बदलने की बात कर रहा है, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, और परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग, मतलब परसेंट हटेगा नीचे 100 लगेगा, याद रखिए इसको, तो 50 × 2 कितना हो जाएगा, 100, और 27 का गुणा 2 में करेंगे 27 × 2 = 54, इसका मतलब 54% आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां तक आप नोट करते जाइए, ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर आप 7 की ओर बढ़ रहे हैं, कह रहा है एक संख्या का 40% प्राप्त करने के लिए संख्या को कितने से गुणा करेंगे, तो आपसे ये क्या कहना चाहता है, कह रहा है 40% आपको प्राप्त करना है, ठीक है, 40% प्राप्त करने के लिए संख्याओं को कितने से गुणा करना पड़ेगा, बहुत आसान होता है ये, आपसे थोड़ा से गुणा करने की बात कर रहा है, तो 40% को अगर प्राप्त करना है तो 40 को पहले क्या करो, भिन्न के रूप में बदल दो, और भिन्न के रूप में जो बदलने पर आंसर प्राप्त होगा वही आपका आंसर गुणा करने की बात कर रहा है, तो 40/ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 × 4 = 2 × 5 = 10, 2/5 आ जाएगा। अब 2/5 आ जाएगा, तो आपकी उसका ध्यान देना है कि जब इसको काटे, क्योंकि परसेंट हटेगा नीचे 100 लगेगा, 100 यहाँ हो गया, 0 से 0 काट दिए, 2 × 4 = 2 × 5 = 10, मतलब 2/5, यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 40% प्राप्त करने के लिए आपको इसमें कितने की गुणा करने की जरूरत है, 2/5 के गुणा करने की जरूरत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ऐसे क्वेश्चन में एक दो एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, और आने के चांस ज्यादा रहते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन कह रहा है बराबर है, अब बताइए बराबर है का मतलब ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में परसेंटेज लगा है सभी ऑप्शन में, तो इसका मतलब हमें परसेंट में बदलना है, परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 100 से गुणा कर दो, गुणे 100 कर देंगे, आपको इतना पता है 100 का गुणा करना बहुत आसान है, मान लीजिए 102 में 2 0 लगा दो, 102 में 2 0 लगा दो, अब आपको ये भी पता है कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 1 और 2 अंक पे, तो परसेंटेज अब जो दशमलव वाला चैप्टर जाके पढ़िए बेसिक आपको समझ में आ जाएगा, तो 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 102 आ जाएगा क्या, क्योंकि दशमलव के बाद 0 आप लीजिए या हटा दीजिए कोई उसकी वैल्यू नहीं रह जाती, इसका मतलब 102% आपका आंसर हो जाएगा, और 102% कोई ऑप्शन हो जरूर होगा आपका ऑप्शन डी है। तो और ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे, ठीक है, आपसे ऐसा पूछ सकता है को प्रतिशत क्या होगा, परसेंट में क्या होगा, तो परसेंट बदलने के लिए वही तरीका है आपका, 0, 0, 2 × 100 कर सकते हैं, 100 करेंगे, आपको ध्यान देना है बच्चों कितने अंक पे दशमलव लगाने हैं, ये मतलब बाद में डिपेंड करता है, 2 ही 3 अंक पे दशमलव है, 2 का 200 हो जाएगा आसानी से, क्योंकि 2 का गुणा करना है 100 में तो 200 बन जाएगा, और 3 अंक पे दशमलव लगा दो, देखो 3 अंक पे दशमलव, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 0.2%, ऐसा आप लगा सकते हैं, या ऐसा भी ले सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं रह जाती है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे 0.2% ही आपका आंसर देगा ऑप्शन में,
तो ये आप सही कर लेंगे। 100 से गुणा करिए, फिर आप दशमलव जैसे जानते हैं उसकी प्रॉपर्टीज वैसे यूज करना है, ठीक है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, और क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी पर डिपेंड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा 0.635 0.635 के बराबर है। तो आपको परसेंट में सब ऑप्शन दे रहे हैं, तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, और आपको पता है कि इसमें कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो, तो पीछे 2 जीरो लगा लो। और अंक कितने अंक पे दशमलव है, देखिए 1, 2, 3 तीन अंक पे दशमलव है, तो पीछे से गिनना है 1, 2, 3 यहां दशमलव लगा दो, तो 3 अंक पे दशमलव हमारा बराबर हो गया, हम लोग बैलेंस कर लिए, और इसका मतलब क्या आ जाएगा, 63.5%, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो आप लगाइए या हटाइए, इसका मतलब ऑप्शन क्या है, बी आपका राइट हो जाएगा, इसी के फॉर्म में बी दे रहा है, ठीक है। चलिए ये नोट कर लीजिए, फिर अगले वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दशमलव में व्यक्त करने के लिए 200% बराबर है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 200% दिया है, अब बताइए परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा तो 100 लगा दीजिए, और आपको पता है कि ये कह रहा दशमलव में बदलना है, जितने जीरो है 1, 2 जीरो है, तो 2 अंक पे दशमलव पीछे से गिन के लगा दो, यही इसका रूल होता है, तो हम इसको लगा रहे हैं, 200 है, 2 अंक पीछे से लगाओ, 1 और 2 यहाँ लग जाएगा। यहाँ लगने का मतलब आपका हो सकता है इतना ही परसेंट दे रहा हो सकता है 2% दे रहा हो, तो इसका मतलब 2 ही है ये, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें दे रहा है, ऑप्शन फर्स्ट मतलब इस फॉर्म में दे रहा है। अब ये परसेंट नहीं लगा, इसका मतलब ये नहीं समझना कि ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा, चूंकि परसेंट नहीं लगा है, लगा सकते हैं, चूंकि परसेंट बदलने की बात ही, सॉरी परसेंट तो हटा ही दिए, परसेंट नहीं लगाएंगे, यही होगा, क्योंकि परसेंट तो हटाए हैं ना, तभी तो ये 100 लगा है, परसेंट नहीं रहेगा, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझिए, 2.2 क्या कह रहा है, 6.25% दिया है, 6.25% दिया है। एक ही जो बच्चे ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन किस हिसाब से दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है सब दशमलव में, तो आप उसके हिसाब से चलेंगे। तो अभी आपको हम समझाएंगे, दशमलव 10% हटेगा, नीचे 100 लगेगा, देखिए 100 लगा दीजिए, और ये ध्यान देना है, जब परसेंटेज या जो दशमलव वाला चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, तो इसके बेसिक चीज हम समझाए थे, 2 अंक पे दशमलव है, 2 जीरो ये है, तो 2 अंक पे दशमलव और बढ़ा देगा, इसका मतलब 2 अंक ये दशमलव, 2 अंक ये, 4 अंक पे दशमलव लगा दो। 4 अंक गिनेंगे कैसे, हमारे पास तो 3 अंक है, तो 4 अंक बनाने के लिए आगे 1 जीरो बढ़ा देते हैं, ये चीज हमने आपको पढ़ाया भी है, यहाँ बढ़ा दो और यहाँ दशमलव लगा दो, 4 अंक पे दशमलव लग गया, कोई ऑप्शन तो जरूर होगा, ऑप्शन बी सही है, तो ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन है, बेसिक आपको बेस सही कर रहा है, आगे थोड़ा टफ भी क्वेश्चन आएंगे, पहले जो सन में आते थे ये 1992-90 के करीब के क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन कह रहा है, 3% के दशमलव के रूप में निम्नलिखित में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो 3% को दशमलव लिखना है, परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, वही बात, ये 3% था, दशमलव हटाए, सॉरी परसेंट हटाए, नीचे 100 लग गया, तो 2 अंक में दशमलव लग जाएगा, लेकिन 3 तो अकेला है, इसको 2 अंक बनाने के लिए ऐसे 0 आगे बढ़ा दो, फिर यहाँ दशमलव लगा दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है, ऐसे आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, और 13 में क्या कह रहा है, 13 में इसी पर डिपेंड क्वेश्चन है, 8% का समतुल्य, 8% का समतुल्य क्या होगा, दशमलव में इसको भी बात कर रहा है, तो 8% है, परसेंट हटेगा, वही बात, तो नीचे 100 लगेगा, 100 लग जाएगा, लेकिन 8 अकेला है, तो 2 अंक पे दशमलव होने चाहिए, 1 जीरो यहाँ बढ़ाकर 2 अंक इसको बना लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आपको सन देकर प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ भी बात नहीं, ध्यान देना है। कह रहा मार्च 1994 में एक कार्य का मूल जो है 67,000 था लगाया, जो कि 1994 की बात कर रहा है, और अप्रैल मार्च में था, अप्रैल में दाम इसका बढ़ गया। कह रहा अप्रैल 1994 यह मूल 10% क्या हो गया, अधिक हो गया, 10% इसका मूल बढ़ गया, इसका मतलब 100 रुपए की अगर चीज होगी तो आपको मार्केट मिलने लगी 110 रुपए में,
परसेंट बढ़ने का मतलब क्या है, अगर 20% अधिक हो गया इसका मतलब बढ़कर कितना हो गया 120%, अगर 30% अधिक हो गया इसका मतलब 130%, 60% अधिक हो गया इसका मतलब 160%, ऐसे समझना है। अगर मैं आपसे कहूं कि 20% कम हो गया इसका मतलब उसका दाम 100 से नीचे आ गया है, कम होगा तो 100 में घटाकर बताएंगे, अधिक होगा तो 100 में बढ़ाकर बताएंगे। यहां 10% अधिक हो रहा है, क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, इसका मतलब 110% मिलेगा वो चीजें। तो प्रेजेंट में कितना है उसी का 110% निकाल लो। कह रहा 1994 में 67,000 का मिलता था, तो अप्रैल 1994 इसका मूल 10% अधिक हो गया, तो अप्रैल 1994 भी कार्य का मूल था, तो अप्रैल में क्या हो जाएगा इसका कार्य का मूल। तो हमने आपसे कहा है कि पहले 100% में कोई चीज मिलती थी, अब 10% अधिक हो गई, इसका 110% मिलेगी, तो इसका 110% निकाल देना बच्चों। वही बात कि परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, तो परसेंट हटाओ नीचे 100 लगाओ, 00 से 00 इसका काट दो यहां से। अब 11 का गुणा कर दो, 11 गुणा करना बहुत आसान है, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान देना है। अगर 11 का गुणा करना है, जैसे 15 में 11 का गुणा करना है, एक लिखिए 5 यहाँ लिखिए, इन दोनों को जोड़कर बीच में डाल दीजिए, तो 5 × 6 = 65 हो गया। वैसे यहाँ देखिए 7 लिखेंगे, 7 को 6 में जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 × 3 हो जाएगा 81, और 6 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 700, ठीक है। 7 × 6 = 13, 13 × 3, और इसमें 6 में एक जोड़ देंगे कैरी जो था 7 हो जाएगा, और कितने 0 है बच्चों, 2 0 है, लगा दीजिए इसका मूल्य इतना हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था, अगले को पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है आप समझिए क्या है। कह रहा 1000 विद्यार्थियों में से 200 बंगला बोल सकते हैं, तो विद्यार्थी कुल कितने हैं ये समझिए। कुल विद्यार्थी जो है, कुल विद्यार्थी 1000 की बात कर रहे हैं, अब इसमें बंगला कितने बोल रहे हैं, बंगला वो आपका कह रहा है 200 बोलते हैं, फिर कह रहा है 400 जो है तमिल भी बोल देते हैं, इसका मतलब तमिल एक भाषा होती है, सब लैंग्वेज है, 400 बोलते हैं, फिर कह रहा शेष हिंदी बोलते हैं, शेष मतलब जो बचा, कितना आसान है देखिए समझिए, शेष कैसे निकालेंगे कितना आसान है। 1000 लोग थे, 200 बंगला बोल रहे थे, 400 तमिल बोल रहे थे, इसका मतलब 4 और 200 जोड़कर 600 हो जाएगा, 600 अगर घटा लेंगे 1000 में तो हमारा कितना आ जाएगा 400, तो शेष निकालना तो आसान है, 1000 में कितना घटा दो 4 × 2 = 6, बंगला और तमिल बोलने वाले 600 हो जाएंगे मिलकर, और घटा दोगे तो 400 लोग क्या बोलेंगे, शेष मतलब हिंदी है तो हिंदी बोलेंगे, ठीक है ना। अब 400 तो हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन अब ये प्रतिशत में पूछेगा आपसे कितने प्रतिशत हिंदी बोल रहे हैं, कितना आसान है, कुल हमेशा नीचे रखो, कुल हमेशा नीचे रखो। अगर हमें हिंदी का प्रतिशत निकालना है बच्चों, तो हिंदी का प्रतिशत निकालना है तो हिंदी की संख्या कहाँ रखेंगे, ऊपर, हिंदी की संख्या कितनी है 400, कुल कितना है 1000 लोग है, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, अब इसी को साल करो, ये 2 0 इसको कैंसिल हो गए, 1 0 यहां से कैंसिल हो गए, तो 40 बचा, तो 40% आपका हिंदी बोलने वाले हो जाएंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है, तो नोट कर लीजिए जल्दी यहां तक। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। कह रहा 35% का कितना प्रतिशत 14 है, देखिए कितना आसान है, जिसके साथ लगेगा का, मैं एक बार लिख कर रहा हूं क्वेश्चन को, 35 का कितना प्रतिशत, तो ऐसा रिलेट क्वेश्चन आपको मिल सकता है, कई बार हो सकता है मिले, प्रतिशत 14 है, तो ये बात अगर यहां ध्यान रख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए कुछ समझ में आ जाएगा। जिसके साथ लगेगा का उसको रखना है हर में, मतलब नीचे, अब ये 14 है तो 14 को ऊपर रख दो और गुणा लगा दो 100, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, देखिए आसान हो गया क्वेश्चन, 7 × 14 = 7 × 5 = 35, और 5 इसको काटेंगे तो 5 × 2 = 10 मतलब 20 × 5 = 100 होता है, और 20 का गुणा आप 2 में कर देंगे कितना आ जाएगा 40%, 40% इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए यहां तक। फिर तो
ध्यान से देखिए बच्चों, ये उसी पर डिपेंड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं और ये मैं अपने से बनाया हुआ क्वेश्चन हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं आपके एग्जाम में। तो ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। हमने कहा है जिसके साथ का लगेगा, तो किसके साथ का लगा है, 100 ग्राम के साथ लगा, उसको कहाँ रखना है, हर में रखना है। और 20 ग्राम कितना होगा, तो दोनों ध्यान रखना है मात्रक समान, इसलिए कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ग्राम ग्राम है, किलोग्राम किलोग्राम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ परसेंट बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से 100 कट जाता तो आपका कितना आ जाता, 20% आ जाता। बट अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज किया हूँ, तो आपको मात्रक भी चेंज करने की जरूरत है। देखिए तो केजी में है, किलोग्राम में है, और यहाँ क्या है, ग्राम में है, ठीक है ना, किलोग्राम में है। और तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो कह रहा है 2 केजी है, 2 केजी है, केजी क्या है मतलब किलोग्राम है और यहाँ ग्राम है, तो मात्रक समान नहीं है। पहले इसके लिए मात्रक समान करेंगे बच्चों, क्या करना है, किलोग्राम यहाँ नीचे रख जाएगा, क्यों, क्योंकि का इसी के साथ लगा है, और 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, मतलब छोटे मात्रक में ही आप बदल लेंगे। तो 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम हो जाएगा, तो 2000 कहां रख देंगे, नीचे। और कितना ग्राम की बात कर रहा है, 200, और गुणे कर देंगे 100, तो आपका दूसरा भी आंसर आ जाएगा। कितना जीरो काटेंगे, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, इसका काट दो, 2 एक कम 2 दहम्मा, तो 10% आ गया। इसका मतलब सेकेंड का आंसर कितना आ गया, 10%, दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 10%। आपको यहां तक आपको समझ में आ गया है, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन मैं जो है मिटाने वाला हूं, तो नोट करके रखिए, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ देखिए सेकेंड है और क्या है, यहाँ मिनट है। पहले तो इसको एक मात्रक में बदलो, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है क्वेश्चन। तो 1 मिनट का मतलब कितना, 60 सेकेंड। तो ये जिसके साथ का लगा वो नीचे रखते हैं, यहाँ 1 मिनट रखने के स्थान हमने क्या रखा है, 60 सेकेंड। क्यों रखा है, क्योंकि ये सेकेंड में था, और यहाँ क्या रखेंगे, 20, और गुणा कर देंगे 100 का, तो 10 इसका कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से 2 दहम्मा, और यही आता, इसका मतलब 10 ये है, 10 ऐसा है, तो 100 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसको बदलेंगे 33 सही बच्चों, 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33 सही, 1/3%, या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दशमलव में भी, ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, 4 में क्या कह रहा है, 1 लीटर और 400 मिलीलीटर है। पहले एक मात्रा को बदलिए, और आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml, मतलब मिलीलीटर, ये आपको पता होगा तो आसानी से कर पाएंगे। तो इसके साथ का लगा होता है, उसको नीचे रखेंगे, मतलब 1000 नीचे रखेंगे, 400 मिलीलीटर है तो 400 यहाँ रखेंगे, और गुणा कर देंगे 100 का, तो ये आपको बाद में समझ में आ गई होगी, 30 काट लेंगे आसानी से, 40% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पढ़ते हैं, और 5 क्वेश्चन नंबर देखिए, और ये 5 क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए 2 रुपए है और यहाँ 40 पैसे है, तो रुपए और पैसे आप जानते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 200 पैसे हो जाएंगे। तो जिसके साथ का लगा है, 2 रुपए के साथ लगा है, इसलिए 200 पैसे कहाँ रखेंगे, नीचे। अंश में क्या है, 40 पैसा, तो 40 यहाँ रखेंगे और गुणा कर देंगे 100 का, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 00 ऐसे काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दुना 4, मतलब इसमें आ जाएगा 20%। तो इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर 20, 5वें क्वेश्चन का और 4थे का हो जाएगा 40। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।